जारीकरण विरोध दिवस पर रेड़ी पटरी व्यापारियों ने नगर निगम में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। पटरी व्यापारी के प्रदेश अध्यक्ष संदीप कुमार बद्देशा ने बताया कि जो हर जगह से पटरी वालों को हटाया जा रहा है और जो ठेला खोमचा प्रतिदिन तोड़ा जा रहा है, उसी को लेकर आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बोलते रहेंगे, ये माइक नहीं रहेगा तभी हमारा आवाज। शहर के ताबूतों जिन शहर को मैंने पैदा किया है, शहर को भी साथियों की बातों में ये लिया तो है। उजारी क्रय बंद करो, उजारी क्रय बंद करो, उजारी क्रय बंद करो, हमारी मांगें पूरी है। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए पटरी व्यवसाय संघ के प्रदेश अध्यक्ष संदीप मद्देशा ने बताया, जो हर जगह से पटरी वाले को हटाया जा रहा है, इनके ठेला खोमचा जो ठेला खोमचा प्रतिदिन इनके तोड़ा जा रहा है, इसी के लेकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी बैठक है, जो हम लोग का मांग है कि पटरी व्यवसायियों को उजारीकरण बंद हो, इनकी जो प्रतिदिन का चालान कट रहा है, ठेला हटाया जा रहा है, जो ठेला खोमचा जो हर दिन तोड़ा जा रहा है, इसी के विरोध में हम लोग एक ज्ञापन देंगे नगर आयुक्त सबको, एक DM को। इसी के विषय में हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए हैं कि जो प्रतिदिन परिवर्तन दल की टीम सारे स्ट्रीट वेंडरों को प्रतिदिन ठेला तोड़ दे रही है, खोमचा उठा ले आ रही है, प्रतिदिन पन्निंग के नाम पे, कूड़े के नाम पे इनको जबरदस्ती चलान 200 के रसीद दे के 500 रुपये इनसे ज़बरदस्ती वसूला जा रहा है। पालथीन नहीं मिलने पे भी, अगर दो ठेले पे पालथीन मिला तो वहाँ पर 50 दुकानदार हैं तो उनको भी चालान काट दिया जा रहा है। जहाँ से मेन पालथीन बन रहा है उस कंपनी को नहीं बंद किया जा रहा है, जहाँ पर माल बन रहा है, जहाँ पर गोदाम में है, जहाँ पर करोड़ों की पन्नी पकड़ा रही है वहाँ छोड़ दिया जा रहा है, और जहाँ पन्नी अगर नहीं पकड़ा रही तो ठेले वाले के पन्नी के नाम पर उनको चालान काट दिया जा रहा है।